न्यूजीलैंड दे हेल्थ मिनिस्टर एंड्रयू लिटिल देश दी चल रही माड़ी सेहत व्यवस्था करके आलोचना दा पात्र बने हुए हन। शुक्रवार नू वेलिंगटन विखे आयोजित कॉन्फ्रेंस विच सेहत मंत्री नू दिन ब दिन हेल्थ सिस्टम दे घट रहे म्यार बारे काफ़ी पुछगिछ की गई। कॉन्फ्रेंस विच शामिल होए कई डॉक्टरां ने सेहत मंत्री खिलाफ प्रदर्शन किया अते हेल्थ सिस्टम नू मुड़ कार्यशील बनाउण दी अपील की। द एसोसीएशन ऑफ सैलरीड मेडिकल स्पैशलिस्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस विच दर्शाया गया कि हर 10 विचों एक डॉक्टर अपनी जॉब छड्डन बारे सोच रहा है। नर्सां दी माड़ी हालत वांग न्यूजीलैंड डॉक्टर भी अपनी समर्था तो वध काम कर करके थक गए हन। डॉक्टर सिल्विया बॉयज दे अनुसार खास करके फ्रंटलाइन वर्कर्स लई स्थिति दे किसी भी तरह बेहतर होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। एसोसीएशन दी एक स्पैशलिस्ट सारा डेल्टन समझदे हन कि साडे देश लई वड्डा नैतिक संकट बनिया होया है। चिंताजनक गल है कि न्यूजीलैंड डॉक्टर सुरक्षित रूप विच प्रैक्टिस करन लई असमर्थ हन। पर सेहत मंत्री ने इस दा कारण कोरोना महामारी अते सख्त सर्दियां दे मौसम नूं मन्निया। उन्हां कहा कि सरकार वल्लों स्टाफ दी कमी नूं पूरा करन लई लगातार कोशिश जारी है। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫਿੱਕੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਡੈਲਟਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ NZ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼।